कैसे कर दिया उसने? क्या एक टायर ने भटक के चला कोयले पर चल सकती है बिना अपने पैर जलाए? मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मेरे लिए ये परीक्षा देना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था ताकि आप सबके सामने मैं प्रूव कर सकूं कि मैं कोई डायन नहीं हूँ। औरत एक शक्ति का रूप होती है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप सबको औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रियू, तुम कायरा से दोबारा शादी करना चाहते थे ना? जरूर करो। और मैं एक वादा करती हूँ कि चांदनी चौक के लोगों ने ऐसी शादी देखी नहीं होगी। जितना खुश होना है हो लो, लेकिन मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी। अरे भैया ये फूल देखो पूरा खाली पड़ा है, यहाँ भी तो लगानी है ना। पंडित जी भी ना एक से एक ऐसी सी बातें। अरे क्या हुआ? बेसन खत्म हो गया? पहले से मंगा के रखना चाहिए ना। जाके देखो कितने लड्डू बने अब तक। अभी बताओ मुझे। बिटिया ये लो हल्दी, माताजी के चरणों से इकट्ठी की गई है, इसे संभाल के लेके जाना। थैंक यू पंडित जी। चलो हल्दी लेकर आओ ना भाई। दादी माँ हल्दी। अरे मिली हल्दी तो ये है, ये कौन सा हल्दी है? क्या फर्क पड़ता है कौन सी हल्दी है? आप लगाएंगे तो ऐसे ही, और क्या। वैसे तो अब मिली का भी शादी हो जाना चाहिए। ये भी तो हमारी बेटी जैसा ही है। ला तुझे हल्दी लगा दूं। नहीं नहीं ताई मां प्लीज लगा देती। नहीं अरे दे ना बेटा। ये हल्दी अजीब लग रहा है और ये स्मेल कैसी है? ये तो ऑयल पेंट है। सोचो अगर दुल्हन ने लगा लिया होता तो पूरा शादी में कितना भयानक दिखता। नर्मदा, हरप्रीत, तुम दोनों ने तो नहीं की ना? माँ नहीं नहीं दादी माँ प्लीज मेरे सासों को कुछ मत कहिए। फिर ये किसने किया? ये मेरी हरकत है। तुमने? मत भूलिए दादी माँ, वो लाल घूंघट वाली लड़की यहीं कहीं आसपास है। वो इस शुभ कार्यों को बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए उसे झांसा देने के लिए मैंने वहाँ अलग से एक हल्दी का बोल रख दिया था। हाँ बट डोंट वरी, मैं उसे रंगे हाथों जल्दी पकड़ लूंगी। क्यों, क्या करने वाली हो तुम? आप बस देखते जाइए। मैंने कुछ ऐसा प्लान किया है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है दीदी। ये लोग आपको अपनी जिंदगी से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं दीदी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी।